आज हम खड़े हैं जैसलमेर के नीर बस स्टैंड के पीछे, जहां लोगों से चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव में। अब तस्वीरें जो है वो साफ हो चुकी है, एक तरफ भाजपा एक तरफ कांग्रेस की टक्कर है, सभी टक्कर है। कुछ हमारे साथ लोग है, भाई साहब पहले तो अपना नाम बताए। जसवंत सिंह भाटी। जसवंत सिंह, ये बताइए कि इस माहौल में भाजपा और कांग्रेस की जो सीधी टक्कर है, क्या लग रहा है आपको? एक कांग्रेस एक तरफ जीत रही है, क्या रहे 5 साल से यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ विधायक भी कांग्रेस के थे, क्या लगता है कितना विकास हो पाया, जनता उनसे कितनी संतुष्ट है? आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो राजस्थान के अंदर जो विकास हुआ है वो सभी को पता है। जिस प्रकार जैसलमेर एक सीमावर्ती इलाका है, जहां पर मैं शिक्षा की बात करता हूँ, सिर्फ मात्र एक कॉलेज थी, आज हर तहसील स्तर पर 8-8 कॉलेज खुलवाना एक बड़ी बात है। और आप चाहे पानी की बात करते हैं, चाहे बिजली की बात करते हैं, चाहे शिक्षा की बात करते हैं, हर क्षेत्र के अंदर आप एक देखो, जो भाजपा की पिछली 15 साल की सरकार रही है, आप देखो कि एक फीट तक जमीन कोई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा पाए। वही की वही वापस कांग्रेस सरकार के अंदर 30-30 हजार बीघा और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना एक बड़ा तोहफा है जैसलमेर के लिए। वापिस इस विकास को देखते हुए जैसलमेर की जनता ने अब की बार ठान लिया है कि जो भाजपा की तुष्टिकरण की राजनीति के हमेशा अल्पसंख्यक भाइयों के साथ उन्होंने जो भेदभाव किया, हमेशा उनको वंचित रखा गया, जिस प्रकार से दिग्गज नेता यूनुस खान है हर बार उनको उनका टिकट काट दिया जाता नाम पर, क्षेत्र के नाम पर ये पांडा का काम करती है भाजपा की सरकार, और इस बार कांग्रेस वापिस राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के, खासकर युवाओं के क्या मुद्दे होंगे? जो शिक्षा के क्षेत्र में भी और जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, जैसलमेर सीमावर्ती इलाका है और एक यहाँ पर मैन तो यहाँ के युवा, उनके लिए खेल की गतिविधियों के अंदर जो अकेडमिक है, ऐसी कोई अलग अलग सुविधा है, तो उनको भी हम मांग करते हैं तो आने वाली सरकार के अंदर वो पूर्ण किया जाएगा। और भी कही है जी भाई साहब, नाम बताओ। नाम कालू सिंह। क्या लगता है इस बार जैसलमेर का चुनाव क्या लगता है, किसकी एक तरफा चुनाव या फिर टक्कर का मामला? एक तरफ चुनाव है, रूपाराम फिर से विजय हो रही है क्योंकि उन्होंने काम किया। बीजेपी की आप देख लो, जितने भी स्टेट टिकट पैसों से बिकी है, जहां भी उन्होंने स्टेट में देखो पूरा पगड़ी डाल के सोए हुए है भाई। तो जैसलमेर कहीं भी देख लो आप, स्टेट में लंबा हाथ करके सोए हुए है। काम किया होता तो सोना नहीं पड़ता। क्या लगता है जनता का इस बार क्या मूल्य? इसलिए 5 साल उन्होंने विकास किया है, वापिस आएंगे, गरीबों को पट्टा दिया 8,200 में, कच्ची बस्ती में काम की है, रोड है, पानी है, ट्यूबवेल है, लोगों के काम किए, वापिस आएगी सरकार। कई लोगों का आरोप भी है कि जो लाइट की जो बात कर रहे थे, वोल्टेज की बड़ी समस्या, उसको लेकर समय समय पर कई आंदोलन भी किए गए। ऐसा है कि मान लो गांव में है एक, जहां 10 ट्यूबवेल थे, डीपीआ बरोबर थे, जो वोल्टेज बरोबर थे, अभी फाइलें आई नई, 500 ट्यूबवेल एक साथ हुए, जहां एसएस बनने में टाइम लगेगा, बिजली बनने में टाइम लगेगा, तो वोल्टेज ट्यूबवेल पहले 10 थे तो वही जो वही थे, अब 200 ट्यूबवेल हुए तो वोल्टेज कहां से आएगा? उसमें एसएस में टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगेगा, वोल्टेज तो सबको पता है कैसे होता है। हमारे साथ अल्पसंख्यक आमतौर से कांग्रेस के वोटर माना जाता है, उनसे पूछेंगे कि उनका इस बार क्या मूड है, वो किस विकास के साथ है या क्या है, उनकी जो राय है वो हम जानना चाहेंगे। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम राणे खां, हम अल्पसंख्यक नहीं आते हैं, हम जैसलमेर का राकू किले का मालक है, हमारा दादा बनाया, ठीक है। ये पहले 22 तारीख जो महीना गस्को दिशा जगह होती नू रात हो तो जुया बैठा 22 तारीख बात खोल से और पचे ये फेरे असा दिमाग छोड़ो आ सट केड़ो कोई पार्टी से असा आए कोई अस्तर 22 तारीख से लहर कर से जिके ने कराई और 22 तारीख रा वो टाइम जो है केने वोट दिया, मतलब एक तरीके साइलेंट वोटर हो गया। साइलेंट साइलेंट 70% साइलेंट ही 70% और इस स्तर के 70% एक साइड वोट 70% 1% साइड जाएगी। हमारे साथ तो और भी लोग हैं भाई साहब, अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। क्या लगता है इस बार जैसलमेर का जो चुनाव है क्या लगता है? इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और छोटू सिंह बहुमत से जीत रहे हैं, और जो मेरे भाई कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक है, इनके लिए आंसू बह रहे हैं, उनको पहले 5 साल में जैसलमेर में जैसलमेर विधानसभा में तो इनकी कोई परवाह नहीं की 5 साल, और अब वोट आए है तो अब अल्पसंख्यक भाइयों के लिए आंसू बह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, ये 5 साल आपने जब आपकी सरकार थी तब जैसलमेर प्रशासन ने कोई इनका काम नहीं किया और न दूसरे लोगों का काम किया, और 5 साल के अंदर पेपर लीक हुए हैं, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने खर्चा किया, पैसे लगाए और हर पेपर लीक हुआ, पुलिस का, रीट का,
वनपाल का, वन रक्षक का, गरीब माइतों ने जमीन बेचकर हमको पटाया था, लेकिन हमारे पेपर लीक हो गए और आज बेरोजगार है, गली गली भटक रहे हैं और छोटे से 60-70 हजार से लीड बना के जीत रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस ने बिजली फ्री की है, लेकिन बिजली दी होती तो फ्री करते, बिजली तो दी नहीं, फ्री है क्या? बिजली तो आई नहीं 5 साल में, बिजली का कभी कहते कोयला नहीं है, कभी कहते क्या नहीं है, बिजली तो आई नहीं, फ्री देगी ये आई कौन, तो फ्री देगी वो की खर्चो लोगों की। जैसलमेर के युवा सोच रहे हैं कि जैसलमेर के अंदर खेल गतिविधियों पे विशेष करके ध्यान दिया जाएगा, और जो पेपर लीक का मुद्दा है विशेष करके युवाओं का उस पर ध्यान है, और बीजेपी की अब की बार विश्वास किया जा रहा है युवाओं के द्वारा, और बीजेपी की सरकार बनेगी और अब की बार पेपर के अंदर पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और एकदम जिम्मेदार सरकार होगी। पिछले 5 साल में सरकार तो होटलों में छिपके बैठी थी, सरकार कौन चला रहा था? होटलों में लिखा लिखा के सरकार चलाई है, एमएलए यहाँ छिपके बैठे थे, पीछे प्रशासन पे कौन ध्यान दे रहा था? साल के कार्यकाल और छोटे 10 साल का कार्यकाल था, क्या लगता है? सरकार ने काम अच्छा किया है, हमने कई बार जिला परिषद में कांग्रेस की सीटें जीता की भेजी, एमएलए ने आगे बीजेपी से बना के बीजेपी का बना दिया प्रमुख, तो सीधा हम बीजेपी को क्यों नहीं कांग्रेस को? और माइंस का धरना 3-4 महीने से चल रहा है, एमएलए ने उससे सेटिंग कर दी, ठेकेदार से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक खिलाफ है भयंकर कांग्रेस के इधर से, जैसलमेर से अगली बार छोटी सरकार होगी। छोटू सिंह आदमी व्यक्तिगत अच्छा आदमी, 2 बार पहले रह चुका है, ये भाई साहब जुलूस खान का बोल रहे हैं वाला, हमारा यहाँ जाति बात नहीं चलता है, जैसलमेर मुसलमान हिंदू वाला कोई बात नहीं, चाहे आगे दे चाहे मत दे मुसलमान को टिकट, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ तो सिर्फ आदमी अच्छा है, छोटू सिंह अच्छा आदमी है, इसकी वजह से हम छोटू सिंह को पसंद करते हैं। क्या लगता है आपको? और इसका ऊपर हमको प्रॉब्लम क्या है, हमारे माइंस में 40,000 लोग भूख मर रहे हैं, उसमें 200 गाड़ियां हैं, ठीक है, 200 गाड़ी होते हुए इन्होंने 4 करोड़ रुपए लेके, और वो पब्लिक आज भी धरने में 6 महीने